नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स। मैं हूं तरुण फोर। मीटू मूवमेंट पूरे देश में चरम पर है। इसकी शुरुआत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हुई थी और जिसका गुबार पूरे देश में उठता ही जा रहा है। इसको लेकर महिलाओं ने कई खुलासे भी किए थे। आइए दिल्ली वालों से जानते हैं तो इस पर उनका क्या कहना है। जी बताएं मुझे हैशटैग मीटू के बारे में। ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है जिसके तहत बहुत सारी लड़कियां अपने प्रॉब्लम्स को लेके आ रही है और देश के हर एक कोने से लड़की अपनी आवाज़ उठा रही है। इसके समर्थक में मैं भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो हैशटैग मीटू है वो आगे तक चले और लड़कियाँ जो दबे हुए आवाज़ में बातों को रख रही थी वो अब अपने सामने लेके आए, सबके सामने लेके आए और मतलब डरे ना किसी भी चीज़ से। पिछले साल से अमेरिका से आ रही है ये कैंपेन और ये आजकल इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है, जिसके तहत लड़कियां जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो अपने साथ जो हुई हरेसमेंट है उसके बारे में बताते हैं। मीटू एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू जो बॉलीवुड कह सकते हैं या मीडिया की लेडीज़ जो आज तक डरती थी कुछ भी एक्सप्रेस करने में अगेंस्ट बिगर स्टार्स और डायरेक्टर्स यू कैन से, आज उसके ज़रिए दे आर केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग द फैक्ट्स जो उनके ऊपर आप बीती है वो बता सकती हैं उसके थ्रू। येस, इट इज़ अबाउट सेक्सुअल वुमेन कमिंग आउट विद देयर एक्सपीरियंस इन विद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और लाइक विद जनरल इन लाइफ। आपको क्या लगता है कि इस तरह के आइडिया से आगे कुछ छेड़खानी रुकेगी? आई थिंक इंडियन मैन आर बेसिकली ब्रॉट अप thinking that you know it is a very gray area whether it a conduct amounts to sexual harassment or not, and it is not clear in the mind of the person either, the man who is doing it. So yes, if we come forward it at least, you know, with different experience, men will at least know that what kind of behavior can have a negative impact on the woman they are interacting with. सी, हम लोग बस ट्राई कर सकते हैं, आगे का तो किसी को भी नहीं होता है, बट हाँ अगर हम सब लोग इस चीज़ को लेके मोटिवेटेड रहते हैं और अगर उन्हें लगता है कि हाँ कुछ जेन्युइन चीज़ों के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर बातें हैं, सो मे बी इट कैन वर्क। कुछ तो अवेयरनेस फैलेगी कम से कम, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, पर कुछ तो होगा। कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है। फ़र्क पड़ सकता है, सब देखते हैं, सबको पता है, मतलब सोशल मीडिया तो सब यूज़ करते हैं, सबको पता है, तो एटलीस्ट ये सब जब सब सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सब फ़र्क तो आएगा ही, गवर्नमेंट भी देखती है। हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा ही, मतलब इतना लार्ज स्केल पे नहीं पड़ेगा क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाती तब तक तो ऐसा कोई मीटू मूवमेंट के उस पर नहीं होगा। बट अगर इतने सारे लोग देखेंगे, इतने सारे लोग जानेंगे उसके बारे में जो लड़कियाँ बोल रही हैं खुल के, तो ऑब्वियस सी बात है फ़र्क तो पड़ेगा। स्मॉल स्केल पे सही, एक स्टार्ट तो है एटलीस्ट। मीटू के उसमें निर्दोष के जाल में फंसने के कितने चांस है? निर्दोष के मतलब अगर हाँ लड़कियाँ ही अगर उसको मिसयूज करेगी तो चांसेस तो है, तो है थोड़ा बहुत चांसेस तो है। चांसेस तो हैं बट आई मीन वो बहुत कम लेवल के हैं क्योंकि ऐसा मतलब बहुत कमी होता है कि लड़कियाँ खुद आके बोले कि हाँ उनके साथ। हाँ ठीक है, किसी को अपना रिवेंज लेना है तो ऑब्वियसली बात है कि चांसेस हैं, बट कम है चांसेस। लाइक कोई क्यों आके अपने बारे में ही ऐसा बोलेगा? अब वो डिफ्रेंसिएशन करना तो आई गेस जैसे मैम ने कहा कि कोई लॉ ही इसको कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज इसके डेफिनेटली प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। वैसे हमारे देश में वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए यौन शोषण के खिलाफ कई कानून हैं, लेकिन महिलाएं छवि खराब होने या किसी के दबाव में आकर आवाज़ नहीं उठा पाती है। मीटू कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए महिलाओं के लिए ताकत बना है। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन विवेक के साथ तरुण फोर।